Good morning students, welcome in BBVN online classes. Today we are going to discuss few topics of computer. Okay, आपने previous videos में computer system से related जो भी basic knowledge लिया था आज हम उन्हें revise करने वाले हैं and after this we will start our chapters of computer book. Okay, so let's start. So students, can you tell me what is computer system? कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस टू कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ओके, एंड काउंट द अमाउंट एंड कंट्रोल द अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो जितने भी डेटाज एंड इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हें कलेक्ट और स्टोर रखने का काम करती है. जो अमाउंट्स होती है, जो कैलकुलेशंस होती है, उन्हें कैलकुलेट करने का काम करती है एंड जो अदर मशीन्स होती हैं उन पे कंट्रोल रखती हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ फोर बेसिक यूनिट्स. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो फोर बेसिक यूनिट्स से मिलकर बनता है. वो कौन कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस. ठीक है, द इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर डेटा इन टू अ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर की फोर बेसिक यूनिट्स होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. सो इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? इनपुट डिवाइस हेल्प्स टू एंटर डेटा इन टू अ कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा एंटर करना है, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो आप किन की हेल्प से देते हैं? इनपुट डिवाइस की हेल्प से देते हैं. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टचपैड, स्टाइलस, वेब कैमरा एंड डिजिटल कैमरा आर फ्यू एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है. इनकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं. द सीपीयू इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस. जो सीपीयू होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि जो सीपीयू का वर्क क्या होता है, आपने जो भी कंप्यूटर में डेटा एंटर किया है वो उस पर प्रोसेसिंग का काम करता है, उस पर वर्क करता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हैं उसका आउटपुट आपको किस तरीके से देना है. सो ये वर्क कौन करता है? सीपीयू करता है. और सीपीयू में ही सारी चीजें स्टोर होती है. जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कहाँ सेव होती है? सीपीयू में. इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे मानते हैं? सीपीयू को. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू, उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? एएलयू, सीयू एंड एमयू. अब एएलयू, सीयू, एमयू, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है और ये क्या वर्क करते हैं? ALU, the arithmetical logical unit. ALU की फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, arithmetic and logical unit, जिसका क्या काम होता है? ALU is responsible for performing all the arithmetic and logical calculations. जो ALU है CPU का जो फर्स्ट पार्ट है, ALU, arithmetic logical unit, इसका क्या काम होता है? ये जितनी भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है कंप्यूटर में उसे सॉल्व करता है. ठीक है, उसे परफॉर्म करने का काम एएलयू यूनिट करती है. सीयू, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट. आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है. जितने भी इंफॉर्मेशंस, डेटा एंड जो भी कैलकुलेशंस, जो भी प्रोसेसिंग का वर्क हो रहा है उस पर कंट्रोल करने का काम होता है. CU is responsible for coordinating and controlling the operation of a computer system. Computer system में जो भी operation हो रहा है, operation का मतलब है जो भी calculations हो रही है उन पे control रखना. ठीक है, last है MU. So students, can you tell me MU की full form क्या हो सकती है? Memory unit. ठीक है, memory unit का क्या काम होता है? Memory unit का काम वही है कि जो भी प्रोसेसिंग हुई है, जो भी कैलकुलेशन हुई है, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर आपको उन्हें कंप्यूटर में सेव रखना है तो जो एमयू यूनिट होती है वो सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव रखती है, अपनी मेमोरी में सेव रखती है. सो
मेमोरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा, अब है स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? द स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइस का क्या काम होता है? जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो जितने भी डेटा एंड इंफॉर्मेशन होती है उन्हें परमानेंटली अपने पास स्टोर रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली टू डिजिट्स. वो कौन कौन सी होती हैं? जीरो एंड वन. जो कंप्यूटर है वो हमारे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा को किस लैंग्वेज में समझता है? नंबर वाली लैंग्वेज जो होती है उसमें समझता है. एंड नंबर वाली लैंग्वेज में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं? जीरो एंड वन. तो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं वो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को जीरो एंड वन में कन्वर्ट करके उन्हें समझता है, ठीक है. और इन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स. सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन, आपको वर्कशीट में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बाइनरी डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर होगा जीरो एंड वन. लास्ट है आपका आउटपुट डिवाइस. सो स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? द डिवाइस दैट डिस्प्ले द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस वो होते हैं, अपने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए इनपुट डिवाइस की हेल्प से, उस पर प्रोसेसिंग का वर्क किसने किया? आउटपुट डिवाइस ने, सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस ने किया. अब जो रिजल्ट है, आपको रिजल्ट जो आपके इंस्ट्रक्शंस का मिलेगा उसे कौन से डिवाइस शो करेंगे? आउटपुट डिवाइस शो करेंगे. लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का बेस्ट एग्जांपल है. अपने कंप्यूटर में जो भी वर्क किया है वो आपको कहाँ शो होता है? जो कंप्यूटर की टीवी स्क्रीन जैसी होती है मॉनिटर, उस पर शो होता है. अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी आपको किसकी हेल्प से मिलती है? प्रिंटर की हेल्प से मिलती है, ठीक है. तो जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं? मॉनिटर एंड प्रिंटर, जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करते हैं. मॉनिटर एंड प्रिंटर के साथ में जो स्पीकर एंड प्रोजेक्टर हैं वो भी आउटपुट डिवाइस का ही पार्ट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, सो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. द प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू रेम एंड रोम. अब जो प्राइमरी मेमोरी है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है, उसे फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से हैं? रेम एंड रोम. ओके, रेम. स्टूडेंट्स, आपको रेम की फुल फॉर्म्स मैंने बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है. तो जो रेम होती है, रेम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी दैट टेम्पररी स्टोर्स द डेटा. जो रेम होती है उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि ये जो डेटा को टेम्पररी अपने पास स्टोर रखती है. जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन है प्राइमरी मेमोरी तब तक ही डेटा को अपने पास स्टोर रखती है, बट जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है या लाइट चली जाती है तो वो जो डेटाज हैं वो सारे उड़ जाते हैं. तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी रेम जो है, वो अपने पास डेटाज को सिर्फ टेम्पररी स्टोर रखती है. नेक्स्ट आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है. द रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन. जो रोम है वो अपने पास जितने भी डेटाज एंड इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें परमानेंटली सेव रखती है. वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद में भी जो डेटाज होते हैं उसे अपने पास स्टोर रखती है. तो रोम को क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. वंस अगेन आई रिपीट, रेम होती है वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज वो डेटाज को टेम्पररी सेव रखती है, एंड रोम होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज वो डेटाज को परमानेंटली अपने पास सेव रखती है.
द एक्सटर्नल मेमोरी इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी. आपने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, ठीक है. प्राइमरी मेमोरी रेम एंड रोम होती है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है. नेक्स्ट आती है सेकेंडरी मेमोरी, जो एक्सटर्नल कंप्यूटर के बाहर जो डेटा स्टोर जिन डिवाइसेस में रखे जाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट. सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होते हैं. सीडी है, पेन ड्राइव है, आप इसमें डेटा स्टोर रख सकते हो. आपको जब कभी भी मन करे आप उसे कंप्यूटर में लगाकर उन डेटास को उन डेटास पे वर्क कर सकते हो. तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये कब काम में ली जाती है, जब प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज फुल हो जाता है और आपको डेटास को लॉन्ग टाइम तक अपने पास में सेव रखना होता है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प से उन डेटास को अपने पास सेव रखते हैं और कभी भी आपको जब उन्हें यूज में लेना होता है तो आप उन्हें यूज में ले लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हमने आज के वीडियो में रिवाइज किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर्स के साथ में आएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड डे.